My name is Herman Yaovi. Okay, good name. What's your? Onohin. Onohin. And nice to meet you. Nice to meet you too. वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग भाई लोग बहन लोग, स्वागत है आपका सुमित डायरीज में। आज हम जाने वाले हैं एम्मा दौला, फेमस प्लेस ऑफ आगरा, जिसको बेबी ताज भी बोलते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, निकलते हैं जल्दी से, पहुँचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है, तो चलते हैं फटाफट से। Everything will be alright. It don't matter what we say. फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं एतमाद दौला बेबी ताज। अभी मैं उसके बाहर हूं, अभी अंदर एंट्री लेते हैं और टिकट लेते हैं और चलते हैं घूमने। आप देख सकते हैं मैं अभी जस्ट उसके बाहर ही हूं, अपोजिट पहुंचा ही हूं जस्ट। फाइनली सामने हमारा बेबी ताज और फाइनली हम आ गए। अब हमको टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा टिकट सेंटर है साइड में, अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं अंदर से और निकलते हैं अंदर। यहीं पे देनी गेट पे। तो मैंने यहाँ से टिकट ले ली है अभी जस्ट। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे यहाँ टिकट काउंटर। यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद ये म्यूजियम पड़ेगा जस्ट टिकट सेंटर के जस्ट पीछे। तो म्यूजियम में आप जो भी इसका इतिहास है, इससे जुड़ा हुआ एतमाद दौला से, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एतमाद दौला जो कि शारजहाँ के काल में आगरा नदी के किनारे एक शहर में बसा हुआ है, बना हुआ है, उसके बारे में जितना भी आपको हिस्ट्री उसकी जाननी है वो आप इसका जो म्यूजियम है उसके पीछे उसमें आ सकते हैं और आके देख सकते हैं उसके बारे में जो बताया गया है, जो जानकारी दी गई है। दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई है अभी, जो मतलब टिकट सेंटर के बाद जो चेकिंग होती है वहाँ पे, जो मेरा मोबाइल का ट्राईपॉड था, मोबाइल से शूट करता हूँ मैं, जो ट्राईपॉड था ट्राईपॉड मना कर दिया, अलाउ नहीं है। बोल रहे हैं ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक वगैरह या ड्रोन या कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो मेरे से ले लिया है, तो इससे मेरे को और प्रॉब्लम आएगी ब्लॉगिंग में। खैर छोड़ो, हम चलते हैं ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, मस्त सी वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। स्टार्टिंग में दोस्तों, अब जब वहाँ से एंट्री लेते हो टिकट लेके, तो ये रास्ता सामने आया। ये जो गेट है बेबी ताज अंदर है एतमाद दौला जो जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे जो एतमाद दौला का जो गेट है, ये मेन स्तंभ जो बना हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ से साइड से ये एक रास्ता गया है, यहाँ पे सीट वगैरह डली हुई है, आप बैठ सकते हो, वॉशरूम वगैरह उधर हैं और ये बहुत बड़ा गार्डन है। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, एकदम अलग ही वाइब्स आ रही हैं। और इसके बाद अंदर चलते हैं, एंट्री लेते हैं। क्या आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो गेट है यहाँ से मैं एंट्री लूँगा। ट्राईपॉड होता उससे और अच्छी नेक्स्ट लेवल की मैं वीडियो बनाता अंदर जाने की, लेकिन अभी नहीं बना सकता, अभी मैं ऐसे ही बनाऊँगा। चलते हैं सीधे अंदर। गेट के बाद जस्ट यहाँ पे एतमाद दौला का मकबरा, इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री की जितनी मतलब नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप अपने शूज़ के लिए कवर लेना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए, और मैंने कवर ले लिए हैं और चलते चलो। ये है बेबी ताज हमारा, काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ से स्टेट से ऊपर जाएंगे, यहाँ फाउंटेन था जो कि अभी बंद है। ये इसके ऊपर चढ़ने के बाद आप देखेंगे ये चार जो मकबरे बने हुए हैं चारों साइड में, सेम है, सेम भुजाएं सभी कुछ बेबी ताज के सामने, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो तो अभी जो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है बेबी ताज जिसे बोलते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फाइनली, और
ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी हम इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इसकी जो डिटेलिंग है, आर्टवर्क है, वो भी नेक्स्ट लेवल बनी हुई है, एकदम तगड़ी वाली। इसमें जो पत्थर यूज़ हुआ है, जो ताजमहल में पत्थर यूज़ हुआ है, जिसे बताते हैं, जो ताजमहल बनने में जो पत्थर यूज़ हुआ था, वही मार्बल इसमें यूज़ हुआ है बनने के लिए, जो कि असमत बेगम ने बनवाया था नूर जहाँ के साथ अपने पिताश्री के लिए। कि चारों भुजाएं सेम हैं, चारों तरफ से देखने पर आपको सेम ही लगेगा चारों गेट इसके, तभी इसको बेबी ताज बोलते हैं। छोटा सा है, बहुत प्यारा है। मैं इसमें अंदर एंट्री लेता हूँ, चलते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे आप मेरे पीछे बैक में, वो दिख रहा होगा आपको सीन, वो जमुना किनारा है, वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ का भी लेंगे। तो इधर से जब आप अंदर एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस जगह पे जो कि मकबरा बना हुआ है, ये है नूर जहाँ का, और उधर इधर असमत बेगम का है, और मतलब उनकी जो फैमिली थी उन सभी का मकबरा यहाँ पे बना हुआ है। ये बताते हैं, ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. अभी जो लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वही है बेबी ताज। इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डिटेल में बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आप लोगों को लगता है इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको बेबी ताज क्यों बोलते हैं आज मेरे को पता लगा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उन्हीं पत्थरों से बनाया गया जिन पत्थरों से ताजमहल बनाया गया है। आर्ट वर्क है, बहुत ज़्यादा डिटेल में की गई है, जो कि ताजमहल के कलाकारों ने की है, उसी तरीके से इसकी भी की है। चारों भुजाएं जो सेम है, हर एंगल से आपको सेम ही लगेगा। इसके चार गेट हैं उधर से, और चारों एंगल पे एकदम सेम, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। भी मेरे साथ हैं यूनाइटेड स्टेट से रॉडर, तो ये मेरे चैनल के में आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो से समथिंग माय यूट्यूब व्यूअर्स। Great guy, great place. Hopefully you guys come out and you check out his YouTube channel. And he's very successful. Rough, जो बंदा अभी मेरे को मिला, वो मेरे को बोल गया है कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे through YouTube. तो अभी मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ उनसे बात करने के बाद। उन्होंने जो बोला है वो word बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जिस तरीके से रोडॉल्फ मेरे से बात की, अभी मेरे को अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मेरे को आगे मतलब लाइफ में सक्सेस होने के लिए जैसे कि अभी उन्होंने मेरे को टिप्स दिए ना, वो एकदम से नेक्स्ट लेवल मेरे लिए। अब जो बेबी ताज उससे आगे आएंगे तो ये यमुना, यमुना का व्यू है, जो भी मतलब इसका जो घाट है ना, जो अलग ही वाइब देता है, अलग ही फीलिंग देता है। क्योंकि यहाँ से जो देख सकते हैं एकदम पूरा, एक तरीके से लग रहा है पूरी सिटी दिख रही है आगरा, वो भी यमुना किनारे। और ख़ास करके मेरे पीछे जो वो आपको दिख रहा होगा वो मकबरा, उसमें से जाके एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा आगे। आता मैं आ ही रहा था तभी मेरे को ये दिखा सीढ़ियाँ जो नीचे गई हैं। अभी चल के इसमें देखते हैं नीचे आखिर क्या है क्या नहीं है, मेरे को पता नहीं है वैसे इसमें क्या है, मैं अकेले हूँ। तो मैं दोस्तों अंदर जा रहा हूँ और अंदर चल रहा हूँ, मैं चल दिया और अंदर कुछ खास नहीं है। जमुना जी के लिए जो रास्ता है, ये जमुना का गेट है, तो ये बंद कर रखा है क्योंकि कोई बाहर ना जा सके। कॉर्नर्स आ रहे हैं, मैं उनसे अपने वीडियो में आने के लिए गुजारिश करूंगा, आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है। हेलो, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? बेसिकली माय यूट्यूब चैनल, आई एम स्टार्टिंग न्यू यूट्यूब चैनल फॉर ट्रैवलिंग, कैन आई से समथिंग फॉर माय व्यूअर्स?
Hello, where are you from? Benin. Benin here, and what's your name? Good name? My name is Edmond Yao. Okay, good name, what's your name? Nohin, and nice to meet you. Nice to meet you. I'm take a selfie with you. तो ये बाकी दोस्तों ये वाला ब्लॉग शूट करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट हुआ है जहाँ तक मेरे को पता है, एडिटिंग कैसी होती है वो पता चलती है। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आगे भी बनाऊँगा। जब फॉरनर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यार इंडियंस क्यों नहीं, अपने क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते, तो करो यार जम के। तो हमने ये पूरा बेबीताज घूम लिया है और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। मैं बाहर ही आने वाला, बाहर ही आ गया एंट्रेंस पे। आई होप यू इन्जॉय इट, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू सब्सक्राइब इट। सो मेरे को तो बहुत इन्जॉय, बहुत ही मज़ा आए, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शमधी। एनीवन यू यार, तो साथ